UPI is not free anymore. NCAI ने एक रीसेंट प्रेस रिलीज करके अनाउंस किया है कि 1 अप्रैल 2023 से PPI के थ्रू की गई UPI ट्रांजैक्शन पर आपको आपकी ट्रांजैक्शन का 0.5% से लेकर 1.1% तक की इंटरचेंज फी पे करनी पड़ेगी. लेट्स अंडरस्टैंड कि ये इंटरचेंज फी क्या है एंड इसका हम जैसे नॉर्मल यूजर्स पर क्या असर पड़ेगा. वो लोग जो PPI के थ्रू पेमेंट करेंगे उन्हें अब 2000 रुपए से ऊपर की ट्रांजैक्शन पर 1.1% इंटरचेंज फी पे करनी होगी. बट उससे पहले प्लीज सब्सक्राइब टू स्टॉक डैडी ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट आपको रेगुलरली मिलता रहे. प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट PPI हमें डिजिटल मनी सिक्योरली स्टोर करने का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसे हम गुड्स एंड सर्विसेज परचेज कर सकते हैं. PPI में कंज्यूमर्स मनी ऐड एंड विदड्रॉ कर सकते हैं विद सम लिमिटेशंस एंड इसीलिए इन्हें डिजिटल वॉलेट भी कहते हैं. सम ऑफ द प्राइम एग्जाम्पल्स ऑफ PPIs आर Paytm वॉलेट, Amazon पे कार्ड, शॉपर स्टॉप कार्ड एंड कोई भी कंपनी PPI इशू कर सकती है. लेकिन इस इंस्ट्रूमेंट को इशू करने के लिए RBI से लाइसेंस लेना मैंडेटरी होता है. इंटरचेंज फी विच इज पेड टू पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर एंड बैंक फॉर एक्सेप्टिंग एंड प्रोसेसिंग ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस. बट अच्छी न्यूज ये है कि फीस बस 2000 से ऊपर PPI के थ्रू की गई UPI ट्रांजेक्शन पर ही लगेगी एंड वहीं पीयर टू पीयर एंड पीयर टू मर्चेंट ट्रांजेक्शंस विच आर बैंक टू बैंक ट्रांजेक्शंस वाया UPI जो कि UPI के टोटल ट्रांजेक्शन का 99% है, ऐसी ट्रांजेक्शंस अभी फ्री ऑफ कॉस्ट ही रहेगी. यानी सारी बैंक टू बैंक UPI ट्रांजेक्शंस भले ही वो आप अपने फ्रेंड को करो या किसी मर्चेंट को करो फ्री रहेगी. लेकिन पेमेंट वॉलेट या किसी और तरह के PPI जैसे Amazon पे, फोन पे के थ्रू की गई 2000 से ऊपर की पेमेंट पर 0.5 से लेकर 1.1% तक की इंटरचेंज फी लगाई जाएगी. पेमेंट इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से डिजिटली शिफ्ट हो रही है और इस डिजिटल शिफ्ट के साथ चलने के लिए स्मूथ टेक्नोलॉजी एंड सीमलेस ट्रांजेक्शन एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है. एंड इस एक्सपीरियंस को मेंटेन करने के लिए यू नीड अ स्मूथ मैकेनिज्म जो कि एक कॉस्टली प्रोसेस होता है. पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर एंड बैंक्स बियर करते हैं. 2021 में UPI की इंटर ऑपरेटेबिलिटी को बढ़ाने के लिए NCPI ने पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर को UPI को PPI से लिंक करने के लिए कहा था जिससे कि आप अपने बैंक से UPI के थ्रू अपने वॉलेट में फ्री ऑफ कॉस्ट पैसे स्टोर कर सकते थे एंड इसकी वजह से इन पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स एंड बैंक्स पर एक्स्ट्रा फाइनेंशियल बर्डन आ गया था. NCPI का ये मूव इसी फाइनेंशियल बर्डन को कम करने के लिए ही इंट्रोड्यूस किया गया है. इसको समझने के लिए पहले आपको समझना होगा कि एक PPI ट्रांजेक्शन में कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं. एक PPI ट्रांजेक्शन में मेनली 3 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, कस्टमर पेमेंट प्रोवाइडर, कस्टमर बैंक एंड मर्चेंट पेमेंट प्रोवाइडर. क्योंकि जब एज अ कस्टमर आप पेमेंट करते हो देन सबसे पहले आप अपने बैंक अकाउंट से अपने पेमेंट वॉलेट में पैसे स्टोर करते हो विच इज फैसिलिटेट बाय योर पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर सच एज Paytm और फोनपे. अब से जब आप PPI के थ्रू किसी मर्चेंट को 2000 से ऊपर की पेमेंट करोगे तो जिस पेमेंट प्रोवाइडर के QR के थ्रू आप पे करोगे वो आपके पेमेंट प्रोवाइडर को 0.5 से 1.1% के बीच की इंटरचेंज फी पे करेगा. क्योंकि NCPI ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स के लिए डिफरेंट इंटरचेंज रेट्स मेंशन किए हैं जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो. सो ये इंटरचेंज फी कस्टमर को अफेक्ट नहीं करेगी एंड मर्चेंट को भी डायरेक्टली इसका असर नहीं पड़ेगा. बट अगर एक्वायरिंग पेमेंट प्रोवाइडर ये कॉस्ट मर्चेंट पर ट्रांसफर करता है तो इसका इम्पैक्ट इनडायरेक्टली मर्चेंट पर आ सकता है. इसके ऊपर NCPI की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग अगर कोई PPI ट्रांजेक्शन 2000 रुपए को एक्सीड करती है तो कस्टमर पेमेंट प्रोवाइडर को रेमिटर बैंक यानी कस्टमर बैंक को 15 basis points की फी पे करनी होगी एज इंटरचेंज फी, जिससे बैंक को भी इसका फायदा होगा एंड इसका इम्पैक्ट भी कस्टमर पर डायरेक्टली नहीं आएगा. उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको क्लियर हो गया होगा कि अब किन UPI ट्रांजेक्शन पर आपको चार्ज देना होगा एंड कौन सी अभी भी फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी.